अच्छा, ये अलग ही नशे चल रहे हैं कि एनिमल का रन टाइम जो है 3 घंटे से ज्यादा है तो लोग बोर हो जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। इसी चक्कर में आपको कुछ मूवीज बताऊंगा जिनका रन टाइम जो है वो 3 घंटे से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे के लगभग है, पर वो काफी ज्यादा हिट रही थी। पर असल में क्या सिस्टम हो गया कि आजकल इतना ज्यादा रन टाइम नहीं होता मूवी का। इसका चक्कर ये है कि अगर नॉर्मल 2 घंटे की मूवी भी अगर अपन घर पे देख रहे हैं ना, उसको किस्तों में देखते हैं, हर 15 मिनट के बाद अपन को एक रील ब्रेक चाहिए होता है। और एनिमल तो है 3 घंटे 21 मिनट 23 सेकंड और 16 फ्रेम की मूवी। फ्रेम ये कौन सा नया मेजर आ गया टाइम का? फ्रेम का सिस्टम ये होता है कि 24 फ्रेम जो होती है उससे 1 सेकंड बनता है पिक्चर के अंदर नॉर्मली। तो आप गुणा भाग करके देख लो कि 16 फ्रेम में कितना सेकंड होता है। अच्छा, बड़ी रन टाइम की मूवीज की बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा मैं आपको, सेक्सी था ना ट्रेलर भाई, जबरदस्त। देखो उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, टॉक्सिसिटी मैस्कुलिनिटी उन चक्करों में अपन नहीं पड़ेंगे। मूवी का मेन पर्पज होता है आपको इंटरटेन करना। अगर ज्ञान ही लेना है तो बुक्स पढ़ो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, ज्यादा दूर जाके बात करते ही नहीं है। RRR SS Rajamouli की मूवी का टाइम था 3 घंटे 7 मिनट। उन्हीं की मूवी बाहुबली 2 का टाइम था 3 घंटे 17 मिनट जो कि 2017 में आई थी। अभी LOC कारगिल की तो बात ही नहीं करी, 2003 की मूवी जिसका टाइम था 4 घंटे 15 मिनट। इसके अलावा आप देखोगे ना तो लगान का टाइम 3 घंटे 44 मिनट। 2008 की जोधा अकबर देख लो जिसका रन टाइम था 3 आवर 33 मिनट। खुद संदीप रेड्डी वांगा की पहली पिक्चर अर्जुन रेड्डी की बात करें तो उसका रन टाइम रहा 3 आवर 2 मिनट। अच्छा वैसे असल में तुमको बताऊं ना, एनिमल का रन टाइम जो है ना 3 घंटे 21 मिनट ही नहीं है, असल में वो 3 घंटे 40 मिनट था, उन्होंने इंटरव्यू में बोला था SS Rajamouli को। कबीर सिंह का रन टाइम भी 3 घंटे से ज्यादा होने वाला था, पर उस टाइम संदीप रेड्डी वांगा जी के पास इतना पावर नहीं था ना अपनी चाहे जैसे मूवी रिलीज कर सके। पर इस बार तो भैया डिटो उठा के रखा है उन्होंने अपना माल। अगर आप कंपेयर करोगे टाइम लंबा होगा तो मूवी घटिया होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा RR देख लो, बाहुबली 2 देख लो, अर्जुन रेड्डी देख लो, ज्यादा पुरानी बातें करते नहीं कि उस टाइम तो नॉर्मली मूवीज 3 घंटे से ज्यादा ही होती थी। गाना नहीं सुना सलमान खान का, चलती है क्या 9 से 12। अगर अपन बात करें ट्रेलर की तो एक चीज समझाता हूं मैं आपको। असल में क्या होता है कि कई बार ना कहानी नॉर्मल होती है पर वो विजन होता है ना आदमी के कहने का जो तरीका होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल अपने पास भी है, संजू है। कहानी अपने सामने थी पर उन्होंने तरीके से पर्दे पे दिखाया, देखने में मजा आता है। क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर देख लो, 3 घंटे बातें हो रही है पिक्चर के अंदर और ऐसे ऐसे साइंटिस्ट के नाम लिए जा रहे हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, फिर भी मजा दे रही ना। ज्यादा दूर जाते ही कि वो अर्जुन रेड्डी की बात कर लो तो ये क्या है, संदीप रेड्डी वांगा की कहानी एकदम सिंपल रहती है। क्या था अर्जुन रेड्डी या कबीर सिंह में, लड़का सेल्फ ऑब्सेस्ड है, खुद के अलावा कोई दिखता नहीं, लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की के घर वाले नहीं मानते। कहां से मतलब कब से सुनते आ रहे हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सब मूवीज का ये सेम सा सिनेरियो था, सेम स्टोरी लाइन। पर बात ये आ जाती है कि आप किस तरीके से अपनी कहानी को दिखा रहे हो। इस मामले में संदीप रेड्डी वांगा का जो ओपिनियन या उनका देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी ज्यादा भैया लोगों के लिए टॉक्सिक हो जाता है, या बोलो कि ब्रूटल हो जाता है, या वो दिखाते हैं चीजों को कि एक्सट्रीम करके, मजा आता है। पर अच्छा, अपन ने एनिमल का ट्रेलर देख लिया, अपन को ये पता चल रहा है कि हाँ बाप और बेटे का कुछ तो सिस्टम है, और ये भी पता चल गया कि कहानी जो है एक लीनियर नहीं होगी, ऐसे कुछ इवेंट्स दिखाए जाएंगे। अगर ये 3 घंटे आपको एंटरटेन कर देंगे, आपको मजा दिला देंगे, ये भैया मूवी इतिहास लिख जाएगी। फिर पीछे से चाहे बातें होती रहेगी कि ये क्या दिखा दिया, ये तो टॉक्सिक है, ये वो है, कोई परवाह नहीं करता। मूवी का असली पर्पज होता है आपको एंटरटेन करना, अगर वो कर देती है उसके अलावा सारी बातें पीछे रह जाती है। मूवी का मुझे पता नहीं कैसे होने वाली है, पर आज के टाइम में जब तक मैंने ट्रेलर देख लिया है ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है हर चीज के लिए, चाहे गाने हो, चाहे ग्लिम्स हो, चाहे टीजर हो या पोस्टर हो, या जो अनाउंसमेंट टीजर आया था बहुत पहले जब मूवी के बारे में अनाउंस किया गया था, वहां तो ओनली रणबीर कपूर बोल ही रहे थे, वो भी इतना क्रिस्पी लगा था ना। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वांगा जी काम करते हैं ना वो देखने लायक है। बंदे ने पोस्ट किया है कि मैंने मूवी एडल्ट बनाई है तो एडल्ट सर्टिफिकेट ही मिलेगा ना, कोई डर नहीं, वरना तो लोग डर जाते हैं वो भैया मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट मिल गया 18 से ऊपर वाले देखेंगे, 3 घंटे से ज्यादा की मूवी हो गई अब कौन देखने आएगा, पैसे कम कमाएगी वो पलाना ढीकड़ा। थोड़ा सा आपको ना मूवी कैसे होने वाली उसका आइडिया देता हूँ, चीजें सिंपल रहेगी। पर आपने वो सीन देखा, वो गाना आया, रणबीर कपूर जाता है कि मैं जा रहा हूँ, नॉर्मल डायरेक्टर क्या करता है, गुड बाय का सीन आया, अच्छा गले लग के या बाहर से नाराज है तो गुड बाय बोल के आई लव यू बोल बुला के बाय बाय कर देता। यहाँ पे बंदा बोलता है कि ठीक है जा रहा हूँ, वापस ना आऊ ना तो किसी और से शादी वादी मत कर लियो। ये है संदीप रेड्डी वांगा। बाकी सलमान खान की टाइगर 3 फ्लॉप हो गई है, मैंने इस वीडियो में बात करी है, तो ये वाला वीडियो भी चेक आउट कर लीजिए। बाय बाय।